ना हम औरतें चूड़ी तो पहनती हैं, लेकिन जुल्म के खिलाफ लड़ना हो, शांति के खिलाफ लड़ना हो, तो हम सड़कों में जाकर मुजाहरा भी कर सकती हैं। सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ, और मैं तो एक डीयू का छात्र हूँ, लेकिन दिल की बात बता रहा हूँ। जिस तरह से जामिया के स्टूडेंट्स ने आके सड़क पर उतर कर ये बताया कि तुम अगर अहिंसा के खिलाफ कुछ करोगे, अगर तुम हमारी एकता को तोड़ोगे, अगर तुम हमारी यूनिटी को तोड़ोगे, अगर तुम देश को बांटोगे, तो हम शांत नहीं बैठने वाले हैं, क्योंकि ये जो जामिया है इसकी बुनियाद इसी पर रखी गई है, इसकी बुनियाद ताल पर रखी गई है, इसकी बुनियाद इसी पर रखी गई कि हम एक है, हम मिलकर रहेंगे। मैं थोड़ी बहुत शेर शायरी करता हूँ आपको सुनाता हूँ। उससे पहले मैं एक बात और अपनी रखना चाहता हूँ, जो मोदी ने कहा था कि वोट सफर का विकास ना था वायलेंस ऑफ बेट पीपल विकास ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल। दुनिया में बहुत सारी जुल्म और ज्यादती हो रही है, इस वजह से नहीं कि जाली लोग जुल्म हो रहे हैं, बल्कि इस वजह से भी हो रही है जो अच्छे लोग खामोश बैठे हैं। तो हमें खामोश नहीं बैठना है, हमें कुछ भी अगर जुल्म हो रहा है, अगर हमारी यूनिटी का तोड़ा जा रहा है, तो हमें उसके खिलाफ मुजाहरा करना है, दिखाना है। और हमारे बहुत से भाई घर में बैठकर सोचते रहते हैं कि अरे बहुत सारे लोग हैं। अभी मैंने एक भाई से कहा कि चलो चलते हैं, चलो हम भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उसने कहा बहुत सारे लोग इंसान जाने की क्या जरूरत है। मैं कहना चाहता हूँ एक एक करके दरिया पर एक एक करके एक एक घूम करके धरा पड़ता है, इसलिए हम सबको घर में बैठने की जरूरत नहीं है, सड़कों पर निकलते को बताने की जरूरत है कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अगर आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को हमारे देश की सुंदरता को अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम सड़कों के नाते उजाला करेंगे। और फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जामिया के छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है एनआरसी के खिलाफ, मेरा एक दिल करना काश मैं भी जामिया का छात्र होता और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जरूर होगा। मैं कुछ शुरू साझी करता हूँ, थोड़ी दिनों लगा लिखता हूँ, आपको सुनाना चाहूंगा। और पहले मैं आपको शायरी सुनाता हूँ कि आप पूछना चाहूंगा कि उठो चलो शहर हुआ कि मंजिलों को देखो तुम ये सोना सोना बहुत हुआ, कि मंजिलों को देखो तुम ये सोना सोना बहुत हुआ, जो करना है करो तुम ये कहना कहना बहुत हुआ, जो हंसना है हंसो तुम ये रोना रोना बहुत हुआ, जो मरना है मरो तुम ये जीना जीना बहुत हुआ, जो लड़ना है लड़ो तुम ये जुल्म सहना बहुत हुआ, उठो चलो सही हुआ कहो चलो सही हुआ। और जो लोग कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान में बांटते हैं कि सिर्फ मुस्लिम ही सिवे के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे एक हिंदू भाई ने कहा कि अगर मान लो एनआरसी और सीए को लागू कर दिया गया और मैं अपने सिटीजनशिप को प्रूफ ना कर सका तो मुझे मोदी और अमित शाह से यह कहना पड़ेगा कि मैं घुस दे दिया हूँ, प्लीज मुझे सिटीजनशिप दे दो। अरे मैं इतना चाहूंगा, बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको, बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से समझाना है तुमको, मुझे जो तुम समझते हो गलत है अभी ये भी तो समझाना है तुमको, मुझे जो तुम समझते हो गलत है अभी ये भी तो समझाना है तुमको, मैं अपनी फौज से अंदर खड़ा हूँ, मैं अपनी फौज ने कहा कि तुम इंकलाब की आलत का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इंकलाब पैदा कर। और मैं एक आखिरी शेर पढ़कर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि उसूलों का शहादत का महत्व भाईचारे का मेरे सीने की है, घर घर में हिंदुस्तान लगता है। शुक्रिया।